सब मैं ऑनेस्ट रहना चाहूँगा, पहले 2-3 राउंड में तो हलवा टाइट हो गया था। ये है मेन टेंपल और ये है नंदी महाकाल टेंपल। के मुताबिक यहाँ पे 3 टाइम मेला होता है, बैशाख मास में बैशाखी मेला, बीच में काफ़ी खाली खाली सा रहता है और एंड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। ये आ गए दूसरा साइड, इधर काट का सामान भी मिलता है। वेलकम टू वन ऑफ द बिगेस्ट मेला ऑफ वेस्ट बंगाल या फिर नॉर्थ बंगाल। तो बेसिकली ये जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर लोग अपना छोटा छोटा जो बिजनेस है वो यहाँ पे शो ऑफ करते हैं। लाइक देखो जितना भी नर्सरी होगा इधर, इसमें भी सारे को इधर नर्सरी से दिख रहे हैं हम लोगों को, सब मतलब आसपास का ही है। कुछ मैच और ये कुछ मैसेज देने की कोशिश। ये जो जॉलपेस मेला है ज़्यादा बार क्या हर बार की मैं मेरा फैमिली के साथ ही यहाँ पे स्पेंड करता हूँ। और सीन क्या है, तो मैं और मैं मम्मी अभी इधर आ चुका है और दीदी आ रहे हैं, वो भी बस रास्ते पे, तो कुछ देर में मिलेंगे हम लोग। और अभी बस मेला का आसपास में दिखा तो आप लोग, तो बेसिकली जो ये बिल्डिंग टाइप का देख रहे हो, पहले यहाँ पे बिल्डिंग नहीं हुआ करता था, पहले यहाँ पे फूल पास का पैंडल हुआ करता था, ठीक है। और अभी पूरा एकदम सेटअप कर दिया, जो कि अच्छा बात है। और यहाँ पे हर मेला का टाइम कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है, जितने दिन भी मेला ऑफिशियली चलता है। तो अभी तो ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ, शायद शुरू हो जाए आने वाले टाइम में। तो ए मेरा मम्मी जी, हेलो बोलो, हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। तो अभी बस दीदी से भी मुलाकात हो गया, भाटनी भी आया उनसे भी मुलाकात है, और भी उनका रिलेटिव है सबसे मुलाकात। अगर वो लोग कंफर्टेबल होगा तो मैं उनसे आप लोगों से मिल पाऊँगा जल्दी। काफ़ी चाय के काम खरीद रहा है, तो इसलिए मेयर मम्मी बस खड़ा है, सब देख रहे हैं कि हम लोगों को नहीं खरीदना है, खरीद रहा है पीछे जो है सब मेरा रिलेटिव से। दीदी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं इसको कंफर्टेबल बना दूंगा जल्दी। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the... अभी जाके मेला में थोड़ा सा भीड़ देखने को मिला। जनरली मेला में भीड़ होता है पहले के दिन, मतलब शुरुआत के दिनों में मेला में ज़्यादातर भीड़ रहता है, उसके बाद बीच में काफ़ी खाली खाली सा रहता है और एंड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। कोई चीज़ अगर हम लोग मिस करते हैं, सबसे ज़्यादा यही चीज़ हम मिस करते हैं। जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं इसको नागरदौला। अभी बस एक मैं ऑलमोस्ट आई गेस 2-2.5 साल बाद मुगलाई खाऊँगा, लिटिल बिट एक्साइटेड। सो मेला का मुगलाई कुछ ऐसा दिख रहा है और मैं टेस्ट करते गरम गरम है।
तो अभी चंदन का खरीदारी चल रहा है। इसका बड़ा मेला इधर होता है लेकिन पहले उधर नहीं। ये मेरा दीदी का बेटी है। हेलो क्या सीन है? तो अभी शायद से लोग इधर से भाई भाई कह दूँ तो मेरे को और भी घूमना है। तो अभी पता नहीं ये लोग शायद कर देते और मैं अपने मर्जी के मालिक की तरह घूम कर। और अभी जो आप लोग बैम्बू का ब्रिज देख रहे हो ये परमानेंटली नहीं है, टेम्पोररी ब्रिज है। जलपेश मंदिर से इस वाले मेला में आने के लिए ये ब्रिज बस लगाया गया। जितने दिन मेला रहेगा उतने दिन ये ब्रिज रहेगा, उसके बाद ये ब्रिज हटा देगा। तो भाई साहब नागरदला का टिकट ले लिया लेकिन इधर अभी बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो बाद में देखते हैं, पता नहीं क्या सीन क्यों रुका हुआ है वो भी नहीं पता। तो भाई साहब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है इतना बड़ा नागरदला में। इससे पहले मैं चला लेकिन इतना बड़ा भी नहीं चला। नागरदला चढ़ने का मेरा मेन मोटिव था, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है, सभी व्यू इंजॉय करो। और मेरा हार्ट बीट देख लो गाइस। वन ट्वेंटी थ्री। भाई साहब मैं ऑनेस्ट रहना चाहूँगा, पहले 2-3 राउंड में तो हलवा टाइट हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा यूज हो गया था, हार्ट रेट भी बढ़ गया था। मेरे पास वो स्मार्ट वॉच था तो मैं चेक ही कर रहा था भाई, बीच में इतना पीक आ गया था ना भाई, ऐसा लग रहा था कहीं गिर ना जाओ, मज़ा आ गया। मैं बस मेला का शूट लेने के लिए एक्सपीरियंस कर रहा, वरना नागरदला मुझे इतना पसंद नहीं है बिल्कुल। देखो नागरदला का राइड कंप्लीट कर चुका, अभी जा रहा हूँ मारुति को देखने, उसका नाम है टाइगर मारुति सार्केस। चलो चलते नागरदला का एक्सपीरियंस जबरदस्त था। तो अभी बस ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगता है, वो बाइक लेकर जो मतलब स्टैंड करते हैं भाई अलग लेवल का होता है। तो अभी तो भरा नहीं है एरिया, देख लो थोड़ा सा खाली है। तो अभी वेट करते हैं भरने के लिए, तब तक बाहर उन लोग कुछ करते कर रहे, करने दो। पहले भी देख चुका हूँ, मतलब ये चीज़ लाइफ में बहुत बार देख चुका हूँ, फिर भी मेरे को अच्छा लगता है। Yeah.
मतलब जो भी था गजब का स्पेशली जो येलो स्टैंडमैन है भाई अलग लेवल का अलग यूनिवर्स आया है तो भाई इन लोग जो मतलब लाइफ को रिच में डालते हैं ना भाई रिस्पेक्ट है बस देख लो काफ़ी सारा हो गया था अभी तो बस नीचे उतरते ये आ गए दूसरा साइड इधर काट का सामान भी मिलता है ये देख लो अरे तो एकदम ऑफ साइड है इधर लाइट भी ठीक ठाक नहीं है मेला का और अभी मेला में बहुत सारे लोग हो गया तो मैं मास्क पहन लिया क्योंकि भाई बहुत सारा ना धूल उड़ रहा है कोविड के वजह से कोई भी मास्क नहीं पहना ऐसे कोविड का तो कोई सीन ही नहीं है अभी कोविड भी अंडर कंट्रोल है सो पब्लिक बिल्कुल मतलब काफ़ी दिनों बाद मन खुल के घूम रहा है जो कि अच्छा बात है तो अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 9:30 और मुझे निकलना चाहिए मुझे पहुँचना है दीदी के घर काकू पॉपकॉर्न कत कर 10 টাকা একদম গরম গরম দাও তো মশলা আছে খোলা মশলা দাও उधर का मेले में मैं पॉपकॉर्न ही ढूंढ रहा था तो पता नहीं मिला ही नहीं तो रिवर क्रॉस करके जब इधर आया तो अभी मिला पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न खाते हुए हुए चलते जलते टेम्पल की ओर इधर आप जितने ज़्यादा भी शॉप देख लो इधर ये सब मार्बल का सामान मिलता है मार्बल का थारा हो गया बाटी हो गया और कासा और पीतल का प्रदीप ये सब मिलता है इधर गेट है प्राइड ऑफ नॉर्थ बंगाल डॉल्फिस टेम्पल तो मेरे पीछे अपना डॉल्फिस टेम्पल लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरे को 10 बजे से पहले दीदी के घर पहुंचना है तो मंदिर के बारे में जितने भी बातें हो हम लोग कल करेंगे क्योंकि मेरे को कल घर जाना है तो मंदिर होके ही मैं जाऊँगा तो अभी बस चलते दीदी का घर सीधा और मेला घूमने के चक्कर में मेरा 10,000 स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जो कि अराउंड 7 या 7.5 किलोमीटर हो जाता है The next day. मेन टेंपल और ये है नंदी महाकाल टेंपल और आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और मंदिर में एंट्री के लिए 20 रुपीज़ टिकट है तो जॉल्फिस टेम्पल प्राइड है अपना वेस्ट बंगाल का और ये टेम्पल पहली बार बनाया गया था श्री विशु सिंह के द्वारा जो कि कोचबिहार का महाराजा का फादर्स है और यहाँ से नियरेस्ट सिटी आता है मोयनागुड़ी जो अराउंड 8-9 किलोमीटर्स होता है और नज़दीकी रेल स्टेशन भी उधर ही है तो बंगाली कैलेंडर के मुताबिक यहाँ पे 3 टाइम मेला होता है बैशाख मास में बैशाखी मेला श्रावण मास में श्रावणी मेला और अभी जो जल्पेश मेला है शिवरात्रि के टाइम में ये फाल्गुनी मंथ का फाल्गुनी मेला या फिर कह लो शिवरात्रि की मेला और मेला ऑलमोस्ट 10 डेज चलता है और अभी क्योंकि कोविड का सीन है तो अभी तो कोविड नॉर्मलाइज हो गया है तो 10 डेज ही है मेला और आज शायद मेला का आई थिंक 5th या 6th डे है और उधर एक झील है मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को तो सीधा उधर चलते हैं मंदिर के बारे में मुझे जितना पता था मैं एक वेबसाइट से जितना भी इंफॉर्मेशन था उधर से ही लिया और भीड़ तो आज काफ़ी है दिन में मैं इतना भीड़ अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फिर उतना भी भीड़ है तो अभी चलते सीधा झील की तरफ सो मैं यही झील का बात कर रहा था और उधर पूरा घाट बना दिया नहाने के लिए तो बेसिकली देखो मैं बहुत बार इस टेंपल में आ चुका हूँ लेकिन ये झील का पानी कभी भी नहीं सूखता हर टाइम यहाँ पे पानी रहता है
देखो ये वाला ब्लॉग को मेरे को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ये ब्लॉग कितना बड़ा हो गया। तो ये वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। डू लाइक, डू शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब मी।